नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज कारपेट टाइल एंड हाउ इट इज इंस्टॉल्ड। कारपेट टाइल्स क्या है, उसका इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं, उसका एक वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम कारपेट टाइल्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कारपेट टाइल इंस्टॉलेशन का वीडियो। ये एक कंपनी का ऑफिस है, इसमें आप देख सकते हैं क्लीन करने के बाद पूरा एडेसिव अप्लाई किया गया है। ये थ्रू आउट सब जगह एडेसिव अप्लाई करने के बाद में इसके ऊपर कारपेट टाइल्स बिठा देते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये पूरा एडेसिव अप्लाई कर रहे हैं और एज में भी साइड में भी लगा रहे हैं। अभी ये स्क्वायर का है, 50 सेंटीमीटर साइज का कारपेट टाइल है, इसको बैठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें एक साइड से बैठा रहे, एक साइड से बैठाते वो पूरा एक, या इसमें एक ऑफिशियल ऑफिस का होने की वजह से इसका डिज़ाइन एक ही रखा गया है। ये ऑफिस का होने की वजह से डिज़ाइन इसका एक ही सिमिलर रखा गया है। इसका डिज़ाइन पैटर्न भी आप देख सकते हैं। इसमें मेनली एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसके हिसाब से वो टाइल बैठाते हैं, क्योंकि कॉर्नर पीस में या फिर साइड में दीवार के फेस में वो साइज कम ज़्यादा हो सकता है। कारपेट टाइल को मॉड्यूलर कारपेट भी बोलते हैं, जैसे स्क्वायर कारपेट भी होते हैं। जैसे अभी पूरे रूम में जैसे कारपेट बिछाते हैं तो एक रोल रहता है, वो रोल पूरा रूम में बिछा देते हैं। उसके अगेंस्ट में एक कारपेट टाइल्स में तो एक स्क्वायर पीस इसमें रहता है, तो स्क्वायर पीस में इसको अलग अलग डिफरेंट साइज में टाइल्स रहते हैं, उसको बिछाते हैं। कारपेट टाइल के साइजेस अलग अलग, जैसे 48x48, 50x50 और 60x60 सेंटीमीटर और 96x96 सेंटीमीटर एज पर रिक्वायरमेंट रहता है। कारपेट टाइल एक कमर्शियल बिल्डिंग या फिर कमर्शियल इसमें एक पॉपुलर फ्लोरिंग ऑप्शन है, कि जहाँ लॉन्ग ऑफिसेस या फिर बार्स, रेस्टोरेंट्स और अनकॉम्प्लिकेटेड जहाँ प्रोजेक्ट्स है वहाँ बहुत ही सूटेबल है। एक कारपेट टाइल एक जो वॉल टू वॉल कारपेट्स रहता है उसके लिए एक बहुत ही बेटर अल्टरनेटिव है, तो इसमें एक यूनिक कस्टमाइजेशन है, इजी इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस भी इजी है और लॉन्जिट्यूटी या फिर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और इसका हेल्दी और कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट की वजह से वो रोल टू रोल, मतलब जो फुल रोल बिछाते हैं उसके कंपैरिजन में ये कारपेट टाइल बहुत ही बेटर माना जाता है। अभी कारपेट टाइल्स क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रोल, मतलब पूरा वॉल टू वॉल जो टाइल है उसके अगेंस्ट में कारपेट टाइल क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले ये इजी टू लिफ्ट, मतलब रोल उठाना या बिछाना उसको ले करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू ये कारपेट टाइल्स। कारपेट टाइल्स कैसे स्मॉल साइज में रहते हैं तो इजीली उठा के उसको बिछा सकते हैं। उसके साथ ही ये मेन बेनिफिट उसका अलग अलग टाइप्स, अलग अलग डिजाइन जहाँ आपको चाहिए वैसे आप लगा सकते हैं, जबकि वॉल टू वॉल में आपको एक ही डिज़ाइन मिलता है। दूसरा बेनिफिट है कि ये इसका वेस्टेज कम रहता है, जो कारपेट टाइल्स है उसका वेस्टेज कम रहता है इंस्टॉलेशन के समय में, और इसमें ज़्यादा मतलब मच कटिंग जो भी रहता है, कटिंग वगैरह वो सब कम लगता है कटिंग करना वगैरह, और जो रोल रहता है वॉल टू वॉल के एंड में वो पूरा साइज के हिसाब से वेस्टेज ज़्यादा जाता है। कारपेट टाइल्स सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए इजी नहीं, रिमूव करने के लिए भी इजी होता है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइल डैमेज हो गई तो सिर्फ उतना टाइल निकाल के हम रिप्लेस करके दूसरा टाइल बैठा सकते हैं। अगर रोल वॉल टू वॉल टाइल रहेगा तो वो पूरा रोल निकालना पड़ता है। कारपेट टाइल में डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू वॉल टाइल्स। वॉल टू वॉल टाइल्स में सिंगल डिज़ाइन होता है, जैसे कारपेट टाइल्स में अलग अलग डिज़ाइन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग नया डाई टेक्नोलॉजी की वजह से
इसमें जैसे एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो जिस लोकेशन पे जाए उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। कारपेट टाइप कंपेयर टू वॉल टाइल्स की कंपेरिजन में ज़्यादा वॉर्म और ज़्यादा कम्फर्ट और एकॉस्टिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये कि ये लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से मोर साउंड एब्सॉर्ब करता है कंपेयर टू वॉल टाइल्स। और इसके लिए ये नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन साउंड लेवल, इसलिए जहाँ भी ये लॉन्ग एरिया ऑफिसेस है जहाँ लार्ज ओपन ऑफिसेस एनवायरमेंट्स कॉल सेंटर्स क्राउडेड बार्स वहाँ ये बहुत ही सुटेबल माना जाता है। अभी हमने जो वीडियो देखा इसमें कौन सा टाइल्स यूज किया है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे। उसका स्टाइल है मिराज, उसका गेज है 1/10 या फिर 0.1 और उसमें टाइप जो है मल्टी लेवल लूप और यार्न 100% एडवांस पीवी। इसका बैकिंग है इको बैक पीवीसी फ्री और पाइल वेट है 680 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इसमें जो कारपेट यूज किया गया है उसका साइज है 50 cm by 50 cm और जो अडेजिव यूज किया गया है वो वेलवुड मल्टीपर्पज फेविकॉल SR998 का अडेजिव यूज किया गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि कारपेट टाइल्स क्या है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है और उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी देखा। आपको भी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और वो ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।